वहाँ कुछ है, जल्दी चल भाई, इधर से चल। वो भाई जी उठा जल्दी, गाड़ी चाबी कहाँ है, चाबी दे जल्दी, चाबी दे। वो आई बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। हेलो, देखो भाई साहब ऑफ रोड पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है। वहाँ पर हम आए और रास्ता भूल गया है शुभम कि किधर से वो लेकर के आया था। तो देख सकते हो अब यहाँ पर पूरा एक जैसा सब तरह दिखाई दे रहा है, हड्डी वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल मतलब डरावना सा फील आ रहा है। शुभम शुभम आगे रुक जा, शुभम रुक जा, शुभम छोड़ के मत जा भाई, वहाँ पता नहीं ऐसी हड्डियाँ वड्डियाँ भी पड़ी है। इधर ये रास्ता दिख, ये किसी की गाड़ी के निशान है, ये मर्डर वर्डर तो नहीं हुआ है करके, हड्डी वड्डी पड़ी है। ये देखो नज़ारा, देखो नज़ारा, देखो आप तो। अब बोल, अब जोर से बोल। देखो भाई साहब वो देखो, वहाँ नीचे देखो। अब ये वही लोग हैं जिनके कारण जो है सरकार को ये बंद करना पड़ता है वाटरफॉल। अब वो अगर थोड़ा भी तेज़ पानी आया तो ये कहाँ जाएगा। अपन अपना पहला सफ़र कंप्लीट हो गया है। पिछला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है, ये पार्ट टू है, पार्ट वन अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट झरना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि हाइडन है, जो कि अभी तक देखा नहीं गया है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं और उसको देखेंगे कैसा क्या वहाँ माहौल होता है, सब कुछ आपको इस प्यारे से वीडियो में दिखाएंगे। अब यहाँ पर ऑफ रोड चालू, देखो भाई साहब ऑफ रोड पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है और गाड़ी स्लिप हो रही है। ये देखो कितना भयंकर तालाब भरा रहा है यहाँ पर। ये तो ये कुछ नज़ारा यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और अभी गाड़ी हमें यहाँ पार्क करी है, अभी और आगे का जो सफ़र है हम पैदल चलेंगे, तो गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी, दोनों गाड़ियाँ हमारी, और अभी आगे पैदल चलते हुए जाएंगे। तो अभी हम घने जंगल में हैं और यहाँ पर कब क्या हो सकता है कोई कह नहीं सकता है, तो हम पूरी सेफ्टी के साथ मतलब थोड़ा रिस्क लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जंगल में अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कदम कदम पर बहुत खतरा है, उस खतरे को मोल लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कभी भी, किसी के सुनाई मतलब किसी की आवाज़ आ रही है, शायद यहाँ पर कोई है। शुभम आगे है बिल्कुल, हाथ में चाबियाँ रखे हुए हैं, अगर कोई भी खतरा दिखता है तो शुभम चाबियों से बाहर करेगा। शुभम ऐसा बोल रहा है कि वो भाग जाएगा। क्या बोला तूने, पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ। उधर कुछ आवाजें आ रही है जोर जोर से, इसके कारण हमें दूसरी तरफ जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा फास्ट साथ में ले गया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे हम। यहाँ से ये पानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस साइड में, और ये जो पानी है नए नए जूते किसी के रहेगा यहाँ पर। देखो कोई मतलब शायद पता नहीं ये है कि नहीं है, भाई साहब यहाँ से कहीं चला तो नहीं गया वो इंसान जिसके जूते रखे हुए हैं, देख सकते हो आप। ये बिल्कुल खतरों से भरा हुआ है, बिल्कुल जोखिम है यहाँ पर आपको, मतलब आपको सारे दोस्तों को आपस में हाथ मिला के और आगे बढ़ना होगा यहाँ पर, ताकि आप लोग सेफली पार कर पाएँ। तो इतने चीज़ों के बाद फाइनली अभी आगे हम आ चुके हैं और यहाँ थोड़ा खुला मौसम है और दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखाई देगा। देखिए दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर एक सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, वहाँ पर क्या हो सकता है, बस एक ही सफ़ेद सफ़ेद कुछ है सफ़ेद कपड़े में। तो वहाँ से चलकर अभी हम यहाँ आगे तक ट्रैकिंग करते करते आ चुके हैं और हमारी गाड़ी की भी थोड़ी हमें चिंता है क्योंकि बहुत अकेले में एकांत में खड़ी करी है गाड़ी। और देखिए नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है और ऐसी वादियों में मतलब क्या बताएं, अभी फिर से हमें ये छोटा सा जल क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मेरा दोस्त बिल्कुल एंजॉय करते हुए, फाइनली इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद और हम यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मतलब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये लग रहा है नज़ारा, आगे देखिए आप। ये देखो नज़ारा, देखो नज़ारा, देखो आप तो
इतना प्यारा नज़ारा हो रहा है और पानी वहाँ देखो नीचे पूरा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। देखो पूरा आगे बहुत ही प्यारा सा माहौल यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और जितना भी हम लोगों ने ट्रैकिंग करा, बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से देखने के लिए मिला, इतना प्यारा कसम से, इतना भयंकर पानी गिर रहा है ना वहाँ पर कि मज़ा आ गया मुझे तो देखकर। और अभी बारिश वापस आ चुकी है पर अब मैं गीला होने के लिए मैंने रेनकोट वगैरह उतार दिया। देख सकते हो आप बहुत ही प्यारा, बहुत ही, और वो नीचे बिल्कुल अंत में जाकर गिर रहा है, वहाँ पर जो टकराना है वो तो इतना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये वादियाँ, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया हमें, अब यहाँ से बारिश बढ़ रही है और तो हमें थोड़ा सेफ पहुँचना पड़ेगा, हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है वहाँ पर, तो अब यहाँ से भाग कर जाएंगे हम। भाई साहब वो जो जलप्रपात है वो यहाँ से गिर रहा है, देखो मैं आपको यहाँ आगे से दिखाता हूँ, ये देखो वो यहाँ से गिर रहा है, ये नज़ारा देखो पूरा, ये यहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है और ये पानी नीचे गिर रहा है और बहुत ही प्यारा जलप्रपात बना रहा है। और इधर से पानी आ रहा है, देखो वहाँ से भी आ रहा है सामने से और उधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से पानी मिला के यहाँ से इतना सारा पानी जा रहा है। और देख सकते हो पूरे बड़े बड़े काले काले पत्थर हैं यहाँ पर, वहाँ पर हम आए और रास्ता भूल गया है शुभम कि किधर से वो लेकर के आया था, तो देख सकते हो अब यहाँ पर पूरा एक जैसा सब तरफ दिखाई दे रहा है और अब पता नहीं शुभम कैसे बाहर निकालेगा हमें, अब शुभम आगे आगे चलेगा, देखो हर तरफ सेम नज़ारा हो गया बिल्कुल, अब यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि जिससे पता चले कि हम उधर से आए थे। और यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क, मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, मतलब नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, तो यहाँ से कॉल भी नहीं कर सकते या फिर गूगल वगैरह पे भी सर्च नहीं कर सकते हम। यहाँ पर थोड़ी बहुत गाड़ियों के निशान दिख रहे हैं तो शायद ये हो सकते हैं थोड़ा चलने के निशान हैं, तो शायद ये हमें बाहर निकाल सकते हैं, तो अभी इसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। शुभम आगे देखता हुआ चल रहा है क्योंकि ये जगह जो है बिल्कुल देख सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देख हड्डी वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल मतलब डरावना सा फील आ रहा है। शुभम शुभम आगे रुक जा, शुभम रुक जा, शुभम छोड़ के मत जा भाई, वहाँ पता नहीं ऐसी हड्डियाँ वड्डियाँ भी पड़ी है। इधर ये रास्ता दिख, ये किसी की गाड़ी के निशान है, ये मर्डर वर्डर तो नहीं हुआ है करके, हाँ हड्डी वड्डी पड़ी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। ये देखो ये एक चप्पल भी पड़ी हुई यहाँ पर, सिर्फ एक ही चप्पल क्यों है, इंसान तो दो चप्पल पहन के आता है। तो भाई फिर रोहित आज हमारे साथ आके कैसा लगा तुमको यहाँ पर? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। मतलब मेरा बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आज मैंने शुभम और सुमित के साथ में देखा यहाँ पर, जो मतलब ऑफ रोडिंग हुई है और जो इतना सीन देखा है बहुत ही गजब का लगा। और ट्रैकिंग में तो भाई साहब क्या ही प्यारा ट्रैकिंग था, वो वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा वाटरफॉल देखा और यहाँ पर भी बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने के लिए मिला। और अभी जंगल से वापस होते हुए हम अपनी गाड़ियों के पास जा रहे हैं, गाड़ियाँ आगे रखी हुई है हमारी, वापस वहाँ पर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों कुछ आवाज़ें आ रही है, वहाँ कुछ है, जल्दी चल भाई, अरे इधर से ओ भाई यहीं पे खड़ी है, जल्दी से गाड़ी निकालना पड़ेगी हमें, जल्दी चल जल्दी, ओ भाई जल्दी उठा जल्दी, गाड़ी चाबी कहाँ है, चाबी दे जल्दी, चाबी दे वो आई, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, गाड़ी चालू हो जाए, TCS वाने का TCS करना पड़ेगा। बहुत डर लग रहा है भाई, इधर से जाना, इधर से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है और अभी हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं, हम किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए जल्दी से यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ से फुल स्पीड में हम बाहर हो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत डर लग रहा है दोस्तों। ओ यहाँ कुछ गांव वाले हमें मिल गए, अब थोड़ा शांति आएगी, देखो अब थोड़ा शांति आई है यहाँ पर, यहाँ पर अब हमें गांव वाले मिलने लग गए हैं और
आगे रास्ता आ गया है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब ऐसा सीन हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी सेफली हम बाहर आ गए, आगे भी रास्ते गाड़ियाँ दिखने लग गई है। तो गाइस तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग, TCS ऑफ कर दिया मैंने, दिखाई दे रहा होगा आपको। और देखो कितना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है यहाँ पर, देखो। ओ भाई साहब, बहुत बहुत ही ज़्यादा गाड़ी फिसल रही, स्लिप कर रही है। ओ हो। तो दोस्तों ये पेडमी गांव है, देख सकते हो जो झरना हमने देखा था वो ये पेडमी गांव से अंदर आता है। ये पेडमी गांव से यहाँ तक टर्न लेना होता है, उधर आगे से हम देवगुराड़िया से होते हुए सीधा आगे आते हैं, तो ये पेडमी गांव यहाँ पर रास्ते में पड़ता है। लगभग देवगुराड़िया से 20 किलोमीटर आगे आके और फिर ये रास्ता आता है, ये गांव देख सकते हो आप। ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ेगा आपको, और यहाँ से होके पेडमी से अंदर होते हुए हम लोग आगे पेडमी के जो वाटरफॉल है वहाँ पर जाएंगे दोस्तों। तो इधर देवगुराड़िया से होते हुए ये यहाँ से आते, तो ये यहाँ से रास्ता कटता है ये पास वाली दुकान से। तो भैया नाश्ता करने के लिए अभी रुके हमारा भाई, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो ये माँ नर्मदा शिप्रा संगम स्थल पर रुके हैं अभी और नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर। नाश्ता वास्ता हो गया है, आप निकल चुके हैं रिटर्न की तरफ। सामने पहाड़ी का व्यू चेक करो, पहाड़ी का व्यू देखो भाई साहब। तो भाई साहब पूरा सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी भाई के घर पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पर फाइनली हमारा ये ब्लॉग का अंत करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहेगा, और बहुत प्यारी प्यारी जगह पे जाएंगे। और अगर ब्लॉग में कुछ गलत अगर लगा हो तो आप वो चीज़ मत दोहराइएगा प्लीज़, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय, जय श्री महाकाल।